गेस आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश के क्वेश्चंस लिए हैं और ये क्वेश्चंस का हिंदी तो हम सीखेंगे ही साथ ही साथ हम लोग एक क्वेश्चन से और हम प्रेजेंट पास फ्यूचर में कैसे बना सकते हैं ये भी हम लोग देखने वाले हैं क्योंकि गेज ध्यान रखिए जब भी आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो कॉन्वर्सेशन आपकी क्वेश्चन और आंसर पर ही बेस्ड होती है और इसीलिए हमारे क्वेश्चन सही तरह से पूछे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है सो so, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्वेश्चन जरूरी नहीं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से हो कि आप कैसे हैं क्या करते हैं ये वाले तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ इस पर बेस्ट मेरा एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे लेकिन आज के इस वीडियो में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों की इंग्लिश में क्वेश्चन बनाने की समझ जो है वो डेवलप होगी ओके सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए लेट्स बिगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विल शी मतलब ने क्या वह दोबारा से ज्वाइन करेगी जब भी किसी वर्ब में आर लग जाता है 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 इसका मतलब होता है दो होता दोबारा जैसे ज्वाइन ज्वाइन करना और गाइस ये हमारा फ्यूचर में बना इसलिए विल हमने आगे लगाया अगर हम इसे पास्ट में बनाएंगे कि क्या उसने पी आई रिजॉइन पी अगर आपको इसका आंसर देना है कि नहीं मैंने पी दोबारा से ज्वाइन नहीं किया तो आपका आंसर अगर क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है तो आंसर भी आपका पास्ट में रहेगा कि नहीं मैंने दोबारा से पी आई ज्वाइन नहीं किया नो आई डिड नॉट रिजॉइन पी आई पी आई एक इंस्टीट्यूट है ओके okay? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज डिसाइडेड मतलब इन्हें उसने क्या डिसाइड किया है जीके? Has आ यहां पर मतलब कि और की थर्ड आ गई टेंस हमारा कौन सा हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो व्हाट हैज ही डिसाइडेड उसने क्या डिसाइड किया है उसने क्या निश्चय लिया है अगर इस टेंस को मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग फ्यूचर में बनाए तो हमारा क्वेश्चन बनेगा व्हाट विल ही डिसाइड मतलब वह क्या डिसाइड करेगा ओके व्हाट विल ही डिसाइड हैस की जगह हम लोग क्या लगा देंगे विल लगा देंगे तो व्हाट विल ही डिसाइड वह क्या डिसाइड करेगा आपने क्या डिसाइड किया है तो हमारा सेंटेंस होगा व्हाट हैव यू डिसाइडेड परफेक्ट है इसलिए व्हाट हैव यू डिसाइडेड उसने क्या डिसाइड किया व्हाट डिड शी डिसाइड वह क्या डिसाइड करती है तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट डज शी डिसाइड

वट डज ही अबाउट हिम मतलब वह उसके बारे में क्या सोचता है वैसे ही अगर हमें किसी गर्ल की बात करनी हो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोचती है तो हमारा सेंटेंस बनेगा वट डज शी थिंक अबाउट यू ओके वॉट डज शी थिंक अबाउट यू नेक्स्ट ग्रेज हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है होम डिड यू सी येस टूडे कल आपने किसे देखा देखिए होम यहाँ पर दिया हुआ है होम का मीनिंग क्या होता है किसे मैंने मैंने वर्ड्स पर काफी सारे, काफी सारे सारे तो नहीं मैंने दो वीडियोस बनाए हुए हैं आप उसे जरूर देखिएगा उसको फाइव लैक प्लस में व्यूज मिले हैं मतलब बहुत अच्छा वीडियो है वो उससे ना आप तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना पाएंगे तो इनमें आपको पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसका क्या मीनिंग निकल रहा है होम का मीनिंग क्या निकल रहा है किसे होम डिड यू सी एस कल आपने किसे देखा अगर आपको इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करना है तो विल यू सी कल आप किससे देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्लीन योर हाउस कौन आपका घर क्लीन करता है हु पैटर्न पर एक अलग से मैं अपना सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ आप वीडियोस में प्लेलिस्ट में या वीडियोस में जाकर देखिएगा इसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि हु के साथ में जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं तो वो किस तरह से बनता है तो हु क्लींस योर हाउस कौन आपका घर साफ करता है क्लीन करता है प्रेजेंट सिंपल टेंस है कितने हाउ डिड ही वर्क उसने कैसे काम किया ओके हाउ डिड ही वर्क उसने कैसे काम किया अगर हम इसको सब्जेक्ट बदलकर बनाना चाहे कि तुमने कैसे काम किया तो हाउ डिड यू वर्क वह कैसे काम करेगी तो हाउ विल शी वर्क ओके हमारा सेंटेंस बनेगा हाउ विल शी वर्क मतलब वह कैसे काम करेगी विच इज योर नोट आपकी नोटबुक कौन सी है सेंटेंस हमारा क्या होगा विच इज योर नोट मतलब आपकी नोटबुक कौन सी है अच्छा अगर हमें बोलना हो कि उसकी नोटबुक कौन सी है तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा विच इज हिज नोटबुक ओके उसकी नोटबुक कौन सी है विच इज हिज नोटबुक नेक्स्ट वेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे आप बॉम्बे से कब आए फ्रॉम बॉम्बे अब अगर हमें यहाँ पर ही लगाना हो या शी लगाना हो तो हम कैसे बोलेंगे कि वह बॉम्बे से कब रिटर्न आया वेन डिड ही रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे या फिर आप बॉम्बे से कब वापस आओगे तो अब हम क्या बनाएंगे वेन will यू रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे मतलब आपको करना ये है कि आपने देखा कि क्वेश्चन हमारा पास्ट में आ रहा है तो आपने डिड लगा दिया यही क्वेश्चन अगर आप फ्यूचर में बनाना चाहें तो आपकी हेल्पिंग वो यहाँ पर बदल जाएगी डिट की जगह आ जाएगा ओके okay? और अगर आप इसको मॉडल में बनाना चाह रहे हैं जैसे कि आप बॉम्बे से कब रिटर्न आ सकते हो तो when कैन यू रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे बहुत ही सिंपल है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गाइस when विल यू बी एबल टू रिपे द लोन देखिए विल बी एबल टू ये हमने हमारे बेसिक मॉडल में पढ़ा हुआ है जिसका मीनिंग होता है सकेगा या फिर पाएगा अगर हम यहाँ पर कैन लगा दे तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा वेन कैन यू रिपे द लोन आप लोन कब चुका सकते हो ओके okay? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश कैसे कि इज एम आर गोइंग टू जब ईजर गोइंग टू आता है तो उसका मीनिंग जो हिंदी का होता है वो होता है वाला है या फिर हम किसी काम को करने जा रहे हैं ओके हम किसी काम को करने जा रहे हैं ये दोनों ही सिचुएशन में इजेम आर गोइंग टू या फिर अबाउट टू का यूज होता है जैसे मैंने कहा कि वह तुमसे मिलने जा रहा है या फिर हम बोल सकते हैं कि वह एक नई ड्रेस खरीदने वाला है खरीदने जा रहा है तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही इज गोइंग टू ही इज अबाउट टू उसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन बना हुआ है When are you going to start learning English? तुम इंग्लिश सीखना कब शुरू करने वाले हो या करने जा रहे हो दोनों ही इसकी पहचान होती है नेक्स्ट है वेयर डिड शी स्पेंड हर समर उसने अपना समर कहाँ स्पेंड किया कहाँ बिताया अगर आप इसे फ्यूचर में बनाएंगे तो वेयर विल यू स्पेंड योर समर आप अपना समर कहाँ बिताओगे अगर आप इसे कॉन्टिन्यूस में बनाना चाहते हैं तो वेन आर यू या वेयर आर यू स्पेंडिंग योर समर आप अपना समर कहा स्पेंड कर रहे हो तो हमें देखना है कि हम किस सिचुएशन में क्वेश्चन को पूछ रहे हैं मतलब वो सिचुएशन प्रेजेंट की है पास्ट की है या फिर फ्यूचर की है आ जाते गए हम लोग अपने सेकेंड जो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन उस पर सेकेंड स्लाइड पर यहां दिया हुआ है कैन आई वॉक फॉर अ वाइल मतलब क्या मैं थोड़ी देर चल सकता हूं कैन आई वॉक फॉर अ वाइल ओके फॉर अ वाइल का मीनिंग होता है गाइस कुछ समय या फिर थोड़ी देर के लिए नेक्स्ट दिया हुआ है विद हुम वर यू रीडिंग अ बुक वाई वॉकिंग विद हुम विद हुम का मीनिंग क्या होता है किसके साथ तो यहाँ पर हमारा इसका मीनिंग क्या निकल रहा है किसके साथ जैसे तुम किसके साथ जाओगे विद हो तुम किसके साथ आओगे विद्यू कम तुम किसके साथ टीवी देख रहे हो विद होम आर यू वॉचिंग टीवी वैसे ही विद होम वर यू रीडिंग अ बुक वाइल, वाइल मतलब क्या होता है वाइल्ड प्लस वर्ब में जब आई एन लगता है तो उसका मीनिंग होता है के दौरान या फिर किसी काम को करते करते या करने के समय तो वॉकिंग करते समय घूमते समय तुम किसके साथ बुक पढ़ रहे थे बुक किसके साथ तुम बुक पढ़ रहे थे वाइल वॉकिंग मतलब चलते चलते वॉज योर आंट सिंगिंग एट होम एट योर हाउस अब यहाँ पर गई देखिए वॉज के साथ में आई एन जी लगा हुआ है ये है हमारा पास कॉन्टिन्यूस टेंस वॉज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस क्या आपकी आंट आपके घर पर गा रही थी पास कॉन्टिन्यूस टेंस अब यह सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज लगाया नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हैड यू नॉट गॉन ऐट द सिनेमा क्या आप सिनेमा पर नहीं गए थे हेड लगा हुआ है वो अब की थर्ड फॉर्म आई है मतलब यानी कि यह है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस ओके तो हैड यू नॉट गॉन एट द सिनेमा क्या आप सिनेमा पर नहीं गए थे हेड ही क्लोज द शॉप क्या वह दुकान बंद कर चुका था ड लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऐसे भी हमें क्वेश्चन को पहचानना है कि अगर परफेक्ट टेंस है थर्ड फॉर्म लगी मतलब ये हमारा मतलब प्रेजेंट में हैज हैव पास्ट में had, और फ्यूचर में विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म तो टेंस हमारा कौन सा हो गया पास्ट परफेक्ट व्हेन हैड ही मेट यू यस्टरडे अब देखिए गाइस यहां पर क्या है Head दिया हुआ है और मीट की थर्ड फॉर्म दी हुई है मेट तो व्हेन हैड ही मेट यू यस्टरडे कल वह तुमसे कब मिला था यहां पर वैन लग गया है तो ये हमें किस मतलब तो ये टाइम को शो कर रहा है कि वह कल तुमसे कब मिला था किस समय पर मिला था वैन हैड ही यू यहाँ पर टिल नहीं आएगा गया येस्टरडे अब आपको इसका आंसर करना हो कि कल वह मुझे पांच बजे मिला था तो सेम टेंस में आप आंसर कर सकते हैं ही हैड मेट मी एट फाइव ओ क्लॉक इन मॉर्निंग ही हैड मेट मी एट फाइव ओ क्लॉक इन मॉर्निंग या ही हैड मेट मी इन फाइव ओ क्लॉक एट फाइव ओ क्लॉक इन इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग जो भी आप बोला जा रहे हैं तो वह मुझे पांच बजे मिला था फिर है, हैड यू मदर गोन टू मार्केट बिफोर यू रीच हमारा एक और क्वेश्चन है कहीं मिले थे बिफोर का मीनिंग हो, जा, हो जाएगा गैस पहले तो हैड यू मेट रोहित anywhere बिफोर क्या आप रोहित से पहले कभी मिले थे वाई had द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू reached द स्टेशन ट्रेन क्यों चली गई थी तुम्हारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले मैंने इसका रूल आपको बताया है कि जब भी बिफोर हमारे सेंटेंस में लगता है तो बिफोर के बाद आने वाला सेंटेंस पास्ट सिंपल में होता है और उसके जो पहले मतलब अगर आप बिफोर यूज कर रहे हैं चाहे वो आप पहले करें या बाद में तो बिफोर के बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म लगती है आपको बिफोर और आफ्टर पर एक सेपरेट वीडियो मिलेगा जिसमें इसके हर एक रूल को मैंने डिटेल में बताया हुआ है हैड यूर मदर गोन टू मार्केट क्या आपकी मम्मी मार्केट जा चुकी थी बिफोर यू रिस्ट आपके पहुंचने से पहले सेम रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ है वर्क की सेकेंड फॉर्म बिफोर के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस भी यूज होता है बिफोर के बाद पास्ट वाला भी यूज होता है और बिफोर के बाद में फ्यूचर भी यूज होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है had you been studying since last two hours, क्या आप पिछले दो घंटे से पढ़ाई कर रहे थे यहाँ पर देखिए हैड बिन और वर्ब में आई ये हमारा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ओके हैड यू रीड अ बुक क्या आप बुक पढ़ चुके थे हैड और रीड गाइस इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो रीड पहली फॉर्म का होता है लेकिन जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है उसका प्रोनाउंसिएशन रेड होता है तो यहाँ पर है हैड यू रेड अ बुक क्या आप बुक पढ़ चुके थे राइट गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है और मैं ये जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आती हूँ इनका पर्पस होता है कि आप इनको बार-बार पढ़-पढ़कर बार-बार प्रैक्टिस कर-कर करना अपनी टंग पर इनको ले कर आओ और जब भी किसी तरह का क्वेश्चन आता है आप उसको बनाने की कोशिश करो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ जो आपको हिंदी करके रखना है ओके okay? आप इन क्वेश्चंस के हिंदी करेंगे इनकी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि आप इनको सही तरह से हिंदी कर पाते हैं या नहीं दूसरा आपको क्या करना है ये वाले जो क्वेश्चन है इनका आपको प्रेजेंट पास्ट तो खैर अगर दिया है मान लीजिए पास्ट दिया है तो आप इसका प्रेजेंट और फ्यूचर बनाकर देखेंगे हर टेंस में कुछ मॉडल्स में भी इससे क्या होगा आप कन्वर्ट करना सीखेंगे तुरंत पहचानना सीखेंगे कि अगर प्रेजेंट सिचुएशन है तो क्या हेल्पिंग हो पा रही है पास्ट सिचुएशन है तो क्या हेल्पिंग वो बारे है क्लियर सो गाइज आज के लिए इतना बहुत था आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके ओके सो गाइज आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी हेल्पफुल आप लोगों के लिए रही होगी अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय के